हेलो एंड वेलकम टू योर मेड एनटीटी एजुकेशनल चैनल। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात किए थे। सिंस वीडियो 9th और 11th दोनों के लिए था, तो अभी 11th क्लास के बच्चे कुछ सरप्राइज होंगे कि भाई 11th क्लास के लेवल का नहीं बताया गया है कुछ। ठीक है, तो बेसिक था आज की कंप्लीट वीडियो उन्हीं दो कंसेप्ट में ध्यान रखकर बताया जा रहा है। एडवांस में केवल जो वर्क का कंसेप्ट है, हम वर्क के कंसेप्ट को ही समझेंगे, क्योंकि आगे वर्क और एनर्जी, अगर फैक्टोरियली बात करते हैं तो वर्क और एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं है। क्या हम पढ़े थे? एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, राइट। वर्क और एनर्जी दोनों का फॉर्मूला सेम है, दोनों का आपने फोर्स लगाया, मान लीजिए कोई बॉडी ए पर है, ठीक है, इसका मास एम है, आपने इस बॉडी पर एफ न्यूटन का फोर्स लगाया, मास अभी यहां पर वर्क के कंसेप्ट में इरिलेवेंट हो जाता है। बार बार मैं कह रहा हूं कि वर्क के कंसेप्ट में मास इरिलेवेंट हो जाता है। वो इरिलेवेंट इसलिए होता है क्योंकि हम उसके जगह पर हम फोर्स ले लेते हैं, और फोर्स में मास और एक्सेलरेशन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट आ जाता है, राइट। तो हम मान लीजिए कोई बॉडी ए पर था और आपने इस पर एफ न्यूटन का फोर्स लगाया, अभी बॉडी बी पर आ गया, ठीक है, से इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स है, ठीक। अब हमें निकालना है कि बॉडी ए से बी तक आया, यहां तक आने में कितना वर्क डन किया। तो फिजिक्स का बेसिक कंसेप्ट है, हम क्या करेंगे इस फोर्स को भी, फोर्स तो चूंकि कॉन्स्टेंट है, अब हम ये तो नहीं कहेंगे फोर्स को रिजॉल्व करेंगे या फोर्स को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, फोर्स डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ऐसा थोड़े कि अगर 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो 2 न्यूटन का, फिर 2 न्यूटन का, फिर 3 न्यूटन का, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, एक्सेलरेशन वेरिएट कर सकता है, फर्स्ट सेकंड का एक्सेलरेशन कुछ और है, सेकंड का एक्सेलरेशन कुछ और है, थर्ड सेकंड में कुछ और एक्सेलरेशन है, फोर्थ सेकंड में कुछ और एक्सेलरेशन वेरिएट कर सकता है, बट अब कंबाइंडली जब फोर्स आप लगा रहे हैं जो अप्लाई कर रहे हो, तो अब फोर्स आपने अप्लाई किया तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट एक्स है, अब इसको सिंपलीफाई करने के लिए, स्टडी करने के लिए हम क्या किए, इसको कई पार्ट में तोड़ दिए, और अब कह रहे हैं कि मान लीजिए बॉडी ए से ए वन तक आए, और ये जो डिस्टेंस है इसको कह दिए हम लोग डी आर, ये डिस्टेंस डी आर, बॉडी पर जब आप फोर्स लगाए हैं तो बॉडी ए से ए डैश तक यानी डी आर मीटर आने में कितना कार्य किया, डी आर मीटर तक आया तो वो कितना वर्क किया, बिकॉज यहां पर हम थोड़ा सा कंसेप्ट वही लेंगे, पहले डिफ्रेंशिएट करके इंटीग्रेट कर देंगे, इससे हमको वेरिएबल फोर्स को के द्वारा वर्क समझने में सुविधा हो जाएगी, क्योंकि वर्क डन जो आप कर फोर्स आप लगा रहे हैं किसी बॉडी पर तो कांस्टेंट नहीं हो सकता है, हमको जरूरी नहीं कि वो कांस्टेंट फोर्स ही हो, फोर्स वेरिएबल हो गया। अब अगर वेरिएबल फोर्स है तो उसके लिए क्या वर्क डन का कांसेप्ट है, राइट, तो वेरिएबल फोर्स को समझना आसान हो जाएगा, दैट्स व्हाई हम सब क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर दिए। तो कहता मान लीजिए एफ फोर्स जब आपने लगाया तो बॉडी डी आर तक डिस्प्लेस की, अब चूंकि डिस्प्लेसमेंट कम है तो वर्क डन भी कम होगा, सो इस दौरान हम कहें वर्क डन डी डब्ल्यू। अब इसका कंसेप्ट लिखते हैं कि लेट और अप्लाइंग फोर्स एफ न्यूटन बॉडी गॉट डिस्प्लेस्ड बाय डेल आर डी आर मीटर, डिस्प्लेसमेंट की बात है, वेक्टर है डी आर मीटर, देन वर्क डन बाय फोर्स, अभी बात की तो वर्क डन क्या हो गया डी डब्ल्यू,
तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया एफ डी आर, एफ डी आर क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, दैट्स व्हाई क्या हो गया स्मॉल वर्क करें। अब हमें निकालना है ए से बी तक, इसे से मान लिए ए डैश आया, फिर ए डबल डैश आया, ये बी आर है, फिर ए ट्रिपल डैश मीटर पर आ गया है ना, ए इस डैश पर आ गया, इस तरह से करते करते बी तक आ गया। चूंकि इसको स्टडी करने का ही तरीका फिजिक्स में हम लोग यही कर रहे हैं कि जिस कंपोनेंट को, जिस वेरिएबल को स्टडी करना है उस वेरिएबल को हम पहले डिफरेंशिएट के लिए हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब क्या करेंगे टोटल वर्क, जब आप डिफरेंशिएट कर दिए तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए अब क्या करेंगे, जो छोटे छोटे टुकड़ों में आपने इसको डिफरेंशिएट किया था, वर्क डन निकाला था, इसको सबको कंबाइन कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर दिए, सबको इंटीग्रेट कर दिए, मैं सबको जोड़ दिए तो आपको वर्क डन निकल गया। यानी टोटल वर्क डन यहां से लिखते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेट डी डब्ल्यू, हम डी डब्ल्यू को हम इंटीग्रेट कर दिए, इंटीग्रेट कर दिए तो क्या हो गया ये आ गया एफ डी आर, डी डब्ल्यू था इसको इंटीग्रेट कर दिया तो क्या हो गया एफ डी आर। अब चूंकि एफ कॉन्स्टेंट है दैट्स व्हाई डब्ल्यू इक्वल टू लिखे एफ डी आर, ठीक है बटन एफ डी आर। अब ये फार्मूला मेरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आ गया, अब इसको अगर इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो डी आर मीन क्या हो गया आर टू दी पावर आर नॉट डी आर, दैट इज इंटीग्रेट करेंगे तो इक्वल टू हो गया एफ आर टू दी पावर जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन, दैट इज हो गया एफ डॉट आर, आ गया डब्ल्यू इक्वल टू एफ आर या डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस, राइट। अब ये वेक्टर फॉर्म है, अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो डॉट प्रोडक्ट आप क्या पढ़े थे ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, दैट इज यहां हम लिख सकते हैं डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट आर, तो क्या हो गया एफ आर कॉस थीटा, डब्ल्यू इक्वल टू एफ आर कॉस थीटा, यानी अब थीटा क्या है एफ और आर के बीच का एंगल, आप जब फोर्स लगाए, फोर्स लगाने के बाद बड़ी किस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो, दैट इज हो गया ए एफ डी आर कॉस थीटा, राइट। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, यहां पे एक बेसिक कंसेप्ट आ गया, अब यहां से कंसेप्ट लेता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ठीक है फिर उसी चीज को लेते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल, ये हमें समझ में आ गया कि वर्क डन का ये जो हम लोग डिफरेंशिएशन यानी कैलकुलस मेथड से वर्क करना कर सकते हैं। अब हम समझने का प्रयास करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, इसके लिए आ जाएगा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स से देखिए कैसे हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम को ले लेते हैं, जिसको हम कह रहे हैं वर्क डन बाय वेरिएबल वेरिएबल, राइट। अभी तक हम लोग क्या समझे, हम लोग क्या समझ रहे थे, कोई बॉडी है ए पर, इसका पोजीशन मान लीजिए कहीं एक्स वन है, अभी बॉडी बी पर आ गया, ये पोजीशन आ गया एक्स टू, ठीक है इसके बीच का पोजीशन आर डी थ्री, राइट। ये जो डिस्टेंस है इसको आप से डीएक्स, अभी इसे पहले हम लोग क्या समझते थे डब्ल्यू इक्वल टू क्या फॉर्मूला आ गया एफ डी आर और एफ डी आर, एफ डी आर या सॉरी डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी आर या एफ डी एक्स। अब ए से बी तक आ रहा है यानी दो पॉइंट के बीच आ रहा है, आपने पॉइंट लिया एक्स वन और एक्स टू, हम उसमें क्या करते हैं लेकर जनरलाइज कर रहे थे, अब हम वेरिएबल फोर्स की बात करते हैं, वेरिएबल फोर्स की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि अलग अलग टाइम में अलग अलग फोर्स लगाया आपने, तो उसके लिए क्या करेंगे अब यहाँ लिमिटिंग फैक्टर आ गया पॉइंट्स आ गया, यानी दो पॉइंट्स के बीच हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं एक्स वन और एक्स टू का, दैट इज डी डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हमारे पास लगाया था एफ डी एक्स, एफ डी एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू। अब ये जो हम लोग हमारा जो डीएक्स है, अब ये पोजीशन इन्वॉल्व है, तो जो पोजीशन इन्वॉल्व है पोजीशन कहां से कहां तक है, तो ये अपना पोजीशन है x2 से x1 तक, यानी बड़ी x1 से x2 तक आया, x1 से x2 तक, यानी अब आप वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट करेंगे कहां से बिटवीन x1 एंड x2, x1 एंड x2। अब f इक्वल टू क्या होता है,
एफ इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे एक्स वन एक्स टू आ गया, एफ इक्वल टू क्या होगा, एम ए डी एक्स, एफ इक्वल टू क्या होगा एम ए, तो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं एम ए डी एक्स, राइट। अब यहां से एक्सेलरेशन ले लेते हैं, तो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या होगा एम इक्वल टू, पहले एम इक्वल टू क्या होगा, एम इक्वल टू ए इक्वल टू एफ अपॉन एम, ए इक्वल टू या एक्सेलरेशन ए इक्वल टू, ए इक्वल टू क्या होता है, ए इक्वल टू हो गया, आप इसको डिफरेंशिएट कर दिए, ए इक्वल टू क्या होगी टाइम के रेस्पेक्ट में डीवी अपॉन डी टी, ए इक्वल टू डीवी अपॉन डी टी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किए तो हो गया डीवी अपॉन डी टी। अच्छा अब वी डीवी इक्वल टू क्या होता है, वी इक्वल टू क्या होता है डी एक्स अपॉन डी टी, यानी हम एक्सेलरेशन को एक्सप्रेस करना है एक्स के फॉर्म में, जो कि हम एक्स के फॉर्म में है ना, बट ए इक्वल टू क्या होता है डीवी अपॉन डी टी। अब यहां से लिखेंगे दैट इज ए इक्वल टू डीवी अपॉन डी टी आ गया ना, दैट इज क्या डी अपॉन डी टी वी, और वी इक्वल टू क्या होगा, तो डी अपॉन डी टी क्या डी एक्स अपॉन डी टी, राइट डी एक्स अपॉन डी टी, राइट दैट इज। अब डी एक्स अपॉन डी टी क्या आ गया, वी आ गया, डी वी आ गया, दैट इज ए इक्वल टू हमारा आ गया वी डी वी, ए इक्वल टू आ गया वी, ये डी एक्स अपॉन डी टी क्या आ गया वी 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 डी वी अपॉन डी एक्स, वी डी वी अपॉन डी एक्स आई इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स, वी डी वी अपॉन डी एक्स, ये तो वी आ गया ना, इसको आपने आपने फिर डिफरेंशिएट किया दिया, हाँ ना डी वी अपॉन डी टी दैट इज डी अपॉन डी टी आ गया डी एक्स अपॉन डी टी। अब डी एक्स अपॉन डी टी इसको डिफरेंशिएट किए या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आपका डी वी अपॉन डी टी है डी वी अपॉन डी टी, तो इसको इस तरह से डिफरेंशिएट कर दिए, सो लिख सकते हैं डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, ये भी लिख दिया हम लोग डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, और डी एक्स अपॉन डी टी आपका क्या आ गया वी, दैट इज डी वी अपॉन डी एक्स इंटू वी, दैट इज क्या आ गया वी डी वी अपॉन डी एक्स, वी डी वी अपॉन डी एक्स क्या बराबर आ गया डी वी बराबर अपॉन डी टी बराबर, ठीक है राइट। अब यहां क्या रह गया दैट इज, अब इसको सोल्व करेंगे, ए इक्वल टू आ गया ए का वैल्यू, ए इक्वल टू क्या आ गया वी डी वी अपॉन डी एक्स, ए इक्वल टू क्या आ गया वी डी वी अपॉन डी एक्स, अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए एक्स वन एक्स टू एक्स वन एम, ठीक है एम तो लग गया, एम को यहां ले आइए एम, पहले ए इक्वल टू क्या आ गया ए इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एक्स, आई इक्वल टू क्या है डी एक्स, ये डी एक्स डी एक्स कैंसिल, एम चूंकि कॉन्स्टेंट है मास को कैप्चर नहीं कीजिएगा इसलिए इसको इंटीग्रल फिर से बाहर ले आइए, ये हो गया एक्स टू एक्स वन, क्या आ गया वी डी वी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, एम ए डी एक्स लिए ना ए इक्वल टू क्या होता है डी वी अपॉन डी टी, दैट इज डी अपॉन डी टी इंटू वी, या तो आप यहाँ ले लीजिए सिंपल सा, आप ये ले लीजिए डी वी अपॉन डी टी, तो डी वी अपॉन डी टी अब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस करना है तो इसको लिख सकते हैं डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, और डी एक्स अपॉन डी टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वी होता है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन इज वेलोसिटी दैट कैन डी वी अपॉन डी एक्स इंटू वी, यहाँ से आ गया वी डी वी अपॉन डी एक्स, क्या डी वी अपॉन डी टी बराबर, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दिए ए इक्वल टू, ए इक्वल टू क्या आ गया ए इक्वल टू आ गया वी डी वी अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पुट कर दिए एफ इक्वल टू एल, ए का जगह पर वी डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल तो हो गया एल वी डी वी, राइट। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ गया एम, इंटीग्रेट करेंगे तो वी डी वी, तो क्या आ गया वी की पावर वन प्लस वन और वन प्लस वन, कहां से कहां तक कर रहे हैं एक्स टू टू एक्स वन, दैट इज डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया अच्छा अब ये करें एक्स टू टू एक्स वन था इस दौरान हम मान लिए, अब यहां पर चूंकि वेलोसिटी आ गया इसलिए अब इसको हम मान रहे हैं इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हम वी वन और वी टू मिलेंगे, इसको जो डिफरेंशिएट करेंगे वी वन और वी टू के रूप में, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया
तस्वीर चेंज कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं V2 और V1 में, V2 V1, इससे सुविधा हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू पुट करने में सुविधा हो जाएगा, दैट इज V2 V1। तो यहाँ से क्या आ गया M, यहाँ क्या आ गया V2 / 2, इसको इंटीग्रेट किए V2 V1, सोल्व किए तो W = M V2 / 2 - V1 / 2, दैट इज W = M ½ M V2 / ½ M V1, दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये वर्क एनर्जी थ्योरम का कंसेप्ट था। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, द टाइम रेट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। ऑलराइट, क्लियर, एनी प्रॉब्लम? चलिए, अब अगर हम इसको टू डायमेंशन में एक्सप्रेस करते हैं, मान लीजिए ये तो अभी हम लोग वन डायमेंशन की बात किए थे, हम इसको टू डायमेंशन में ले लेते हैं। अगर टू डायमेंशन में लेंगे तो क्या होगा, चलिए फिर से आते हैं। ट्रीटमेंट इन टू डायमेंशन, वर्क एनर्जी इन वर्क डन इन टू डायमेंशन स्पेस में, वेरिएबल फोर्स इन टू डायमेंशन, हम लोग टू डायमेंशन की बात करते हैं, है ना। अब टू डायमेंशन इज वरी क्या मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पर, जब सर्कुलर पाथ पर स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है तो सिंगल वन डायरेक्शन की बात की है, स्ट्रेट पाथ मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो टू डायमेंशन स्पेस से बात करेंगे। तो कहते हैं क्या कि लेट फोर्स F इज अप्लाई ऑन बॉडी मूविंग इन टू डायमेंशनल स्पेस, मूविंग इन टू डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। ये मान लेट कर लिए कि बॉडी क्या है, टू डायमेंशनल स्पेस में मूव कर रहा है। देन W = हम क्या पढ़े थे, W = इंटीग्रेट, टू डायमेंशनल स्पेस में है तो हो गया इंटीग्रेट ए बी, ए से बी तक मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, क्या है वी डी ए बी एफ डी आर, सॉरी एफ डी आर, इंटीग्रेट एफ डी आर, ए से बी तक बढ़ गया था, ये वही है कि सर्कुलर पाथ पर बॉडी मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर, यहाँ बॉडी पहले ए था, ए से बी तक आया, तो ए से बी तक आने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मान लीजिए ए से बी के बीच की डिस्टेंस डी आर है, तो बात क्या हो गया एफ डी आर, राइट। बट अब चूंकि जो डी आर है डिस्प्लेसमेंट, ये हम टू डायमेंशनल स्पेस में बात करेंगे, तो ये हो गया X1/1 और ये हो गया X2/2, दो कोई अलग अलग पोजिशन है ना, एक पोजिशन ले ली X1/1 और ये हो गया X2/2। अब इसमें एक्सप्रेस करेंगे तो देन दैट इज इसमें क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर वेरिएबल फोर्स है चूंकि एक्सेलरेशन वैरी कर जाएगा, आपको पता था कि अगर कोई बड़ी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी चेंज होता है, तो हम यहाँ पर लेट कर रहे हैं कि इसका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, दैट इज F = क्या हो गया, ए से बी तक आया A to B MADR, MADR, अब दैट इज ये हो गया A to B M A विद डिफरेंशिएट कर दिया, क्या हो गया AX i का प्लस A y j, सॉरी फोर्स है ना, फोर्स ही ले लेते हैं, फोर्स वेरिएबल F दिया, तो यहां पर मान लीजिए फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ये फोर्स हो गया FX i का प्लस FY j इंटू क्या X dx है, तो क्या हो गया DX i का प्लस DY j, दैट इज इसको सॉल्व किए ए टू बी क्या आ गया FX dx i का डॉट i का
प्लस एफ वाई डी वाई जे का डॉट जे का डॉट प्रोडक्ट में जानते हैं ना आई कैप आई इक्वल टू जे कैप जे इक्वल टू के कैप के इक्वल टू वन होता है और आई कैप जे इक्वल टू आई जे कैप के इक्वल टू जे कैप आई सब जीरो हो जाता है। दैट्स व्हाई हमने लिए ए टू बी क्या आ गया एक्स डी एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई। दिस इज द फार्मूला फॉर वर्क डन by variable force in two dimension. That's why we can treat work done or we have got expression for it. In the next video we will do some numerical problems that I will take from various NEET and GMAT interest exams. Thanks for watching my video.